उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने आज हमारे चैनल पे कंप्लीट कराए हैं पूरे 100 सब्सक्राइबर्स। ऐसे अपना प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाते रहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको अलग अलग बैंकों की जैसे कि कोटक बैंक, SBI और PNB की चेकबुक के लिए अप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिदैन, आप देख रहे हैं सिदैन मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप एक ऐप PNB One डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको 3 ऐप चूज करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका बैंक में खाता है ओरिएंटल बैंक में तो ओरिएंटल, या यूनाइटेड बैंक में तो यूनाइटेड, या फिर PNB में। चलिए हम PNB क्लिक कर रहे हैं तो PNB के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए उस ऐप पर। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट बना लीजिए, यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर, अपना यूज़र आईडी डालकर जो बैंक की तरफ से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए अपने 4 डिजिट डालकर। उसके बाद ये ओपन हो जाएगी ऐप। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है सर्विसेज का, आप सर्विस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चेक्स का, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको अपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको कितनी चेक चाहिए, 20, 50, 100, चलिए हम 20 क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना चार्ज लगेगा, आपके किस खाते से कटेगा, वो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो चेक पर नाम चाहिए आप वो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे हमें ये आगे का नाम ही चाहिए, जैसे हम कट कर देते हैं, इतने ही रहने देते हैं। उसके बाद ये आपका एड्रेस आएगा, जहाँ आपका डिलीवरी एड्रेस, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपके सामने ट्रांजैक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जो आप जब इंटरनेट बैंकिंग चालू करते हो तब आप बनाते हो, तब आता है आपको बनाने के लिए। आपको वही पासवर्ड डालना है यहाँ पर और कन्फर्म कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए डालकर। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ सक्सेस हो गई रिक्वेस्ट। जब आपको पेंडिंग आपके बैंक की तरफ से आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपकी चेकबुक आपके एड्रेस पे जहाँ आपने डिलीवरी एड्रेस डाला था वहाँ पहुँच जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए, नहीं तो एक मैसेज आ ही जाता है आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उसे सेव करके आप रख लीजिए, देखिए आ गया है मैसेज, आप इसे सेव करके रख लीजिए, आप वापस होम पर चले जाइए। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि आप कैसे SBI बैंक में चेकबुक के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, YONO SBI। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तीनों बैंकों की। उसके बाद आप जहाँ देख सकते हैं जैसे ही ओपन हो जाती है आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर या रजिस्टर कर न्यू यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम अपने MPIN से हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन हो जाता है आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही लॉगिन हो जाता है आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप जैसे नीचे जाएंगे यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सर्विस रिक्वेस्ट का, आप सर्विस रिक्वेस्ट पर जाइए। या नीचे ऑप्शन आ रहा है चेक्स का, आप चेक्स पर जाइए। यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट चेक बुक, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद यहाँ से आप अपना कितने आपको चाहिए लीव्स, मतलब कितने आपको चेकबुक चाहिए, चलिए हमें 10 की चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से चार्जेस भी इसके पढ़ सकते हैं एप्लीकेबल। जैसे कि लिखा है कि आप फर्स्ट 10 चेक लीव्स लेंगे तो आपको फ्री है फाइनेंशियल, मतलब जिस साल ले रहे हैं उसके लिए फ्री है। उसके बाद आपको पर बुक के आपको 70 रुपये कटेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के लिए, सैलरी पैकेज अकाउंट के लिए कोई चार्जेस नहीं है। करंट अकाउंट के लिए चार्जेस हैं पर रुपीज़ पर GST चेक लीव कटेगी। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आप जैसे कि देख सकते हैं इसके चार्जेस थोड़े कम हैं बाकी अदर बैंकों से, ये बैंक SBI अच्छा बैंक है क्योंकि। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है I am aware, उधर टिक कर नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करोगे यहाँ आपको डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस पर करना चाहते हो तो जो आपका बैंक में एड्रेस लिखा है वहीं पर पहुँचेगा। अगर आपने जहाँ लास्ट कुछ चीज़ मंगाई होगी, डिस्पैच करवाई होगी, जैसे चेकबुक, डेबिट कार्ड, या फिर आप न्यू एड्रेस यहाँ पर डिक्लेयर करके टिक लगाकर न्यू एड्रेस डालकर यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, आपकी 15 दिन के अंदर आपकी चेकबुक आपके घर पर होगी, पहुँचा दी जाएगी पोस्ट द्वारा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे कोटक महिंद्रा बैंक के लिए चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोटक महिंद्रा बैंक की एक ऐप होती है, जैसे ये लिखी है कोटक बैंक की, इसे आप ओपन कर लीजिए डाउनलोड करके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रही क्योंकि ये सिक्योरिटी है, पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपने ID पासवर्ड डालने का, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप लोडिंग करोगे यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का,
आप सर्विस रिक्वेस्ट पे जाओगे, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेकबुक रिक्वेस्ट का। आप चेकबुक रिक्वेस्ट में जैसे ही जाओगे, आप वहाँ पर चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके चार्ज भी सेम है स्टेट बैंक की तरह, तो आप उसके लिए वहीं से अप्लाई कर सकते हो। एड्रेस डालकर नेक्स्ट कर अप्लाई हो जाएगी और आपकी चेकबुक आपके एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। रजिस्टर्ड एड्रेस जो आप एड्रेस डालोगे, तो आप इस तरह बैंक्स की चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आप जल्दी नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।